हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का दास्ताने सफ़र में स्वागत है। तो इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा मनाली टू अटल टनल। अब इस व्लॉग में हम घूमेंगे सिसु वैली। जी हाँ दोस्तों, और देखेंगे यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को। तो आइए चलते हैं सिसु वैली और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के खूबसूरत हसीन वादियों को। तो आइए जानते हैं सिसु वैली के कुछ रोचक जानकारी। सिसु वैली एक छोटा सा विलेज है जो आपको अटल टनल के बाद लाहौल स्पीति में है। अटल टनल से सिसु वैली की दूरी 11 किलोमीटर है। सिसु वैली एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां आपको सिसु लेक, हेलीपैड और बर्फ़ से ढकी हुई माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे हैं बर्फ और पेड़ के बीच में। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह और ठंड लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। टोपी भी मैं भूल गया हूँ, गाड़ी में रह गई टोपी। चारों तरफ बर्फ है, पेड़ बहुत ही खूबसूरत, वादियाँ। ये देखिए, पीछे देखिए, दूर दूर तक पेड़ है, उसके बाद जो ऊँची ऊंची पहाड़ है। नीचे मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे नीचे में एकदम बर्फ जमे हुए हैं। मुझे लगता है कि रात के समय में यहाँ पे बर्फ गिरी है। और ये नीचे का मैं दिखाता हूँ, जूते भी भीग रहे हैं, जूते भीग रहे हैं, काफी बर्फ है यहाँ पे। ये देखिए, पैर घुस जा रही है। ये आपको अटल टनल पार करने के बाद यहाँ पे सिसु एक कस्बा है जो चारों तरफ घिरा हुआ है माउंटेन्स, ट्रीज, स्नो। लग रही है इधर सुबह से घूम रहे थे, काफी सारी बर्फ देखी, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। शायद इसलिए भी कि अब धूप ढल रहा है। मुंह बनाई क्या आपका एक बढ़िया वाला? बर्फ हाथ में नहीं लेने वाले, ठंड काफी दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं सिसु लेक के तरफ। जी हाँ, सिसु लेक सिसु विलेज में है और वहाँ पे एक हेलीपैड भी है। तो आज हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि आज हम सिसु विलेज में ही रुकेंगे, यहाँ पे एक अच्छा सा होटल लेंगे और आज रात हम यहाँ स्टे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का प्लान हमारा फ़िलहाल यही है, उसके बाद फिर कल सुबह देखेंगे कि हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सिसु वैली। जहाँ भी आप देखेंगे आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये मनाली। जब भी आए ट्रिप के लिए तो यहाँ पे ज़रूर से आए, ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको।
मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरीवन। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सिसु लेक के पास और यहाँ पे हेलीपैड भी है। यहाँ पे हम थोड़ी देर रहेंगे, यहाँ घूमेंगे, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे यहीं पे आसपास कहीं पे होटल लेके। आज रात हम यहीं पे रुकेंगे सिसु वैली में और नेक्स्ट डे फिर हम यहाँ से निकलेंगे किसी दूसरे खूबसूरत जगह के लिए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग है आप सभी को। अभी हम सिसु में हैं, हमने यहाँ पे रूम लिया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मौसम काफ़ी सर्द है, बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों और काफ़ी ठंड इधर। चलिए मैं आपको रूम से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ठंड भी है। तो ये देखिए रूम से निकलते ही सामने बर्फ से ढकी हुई पहाड़, बहुत ही खूबसूरत। हम रुके हैं इस जगह पे, फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे अभी और फिर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या है। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सिसु लेक। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस जगह पे, ये लेक पे, और यहाँ पे आपको बह रही है नदी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर अभी यहाँ पे होगी -1 डिग्री और रात में ये हो जाती है -8 to 10 डिग्री। पहाड़ है चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई और ये रास्ता आपको सीधे ले जाएगा लेह की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये रास्ता लेह की तरफ ले जाएगा और हम आए हैं इस रास्ते से अटल टनल को पार करते हुए यहाँ पे इस जगह। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होटल पाम धारा है जहाँ पे हम आज रुके थे यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है रात के समय और दिन में भी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ है। काफी ठंड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आए तो जैकेट, कैप, दस्ताने सारी चीज लेके आए, क्योंकि यहाँ ठंड काफी पड़ती है। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप रूम हीटर भी ले सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, नाश्ता हमारा बन के आ रहा है, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और फिर आगे निकलेंगे।